देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, प्रदेश की धड़कन। नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सामना सवालों का। आज हमारे सवालों का सामना करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ साहब। धनखड़ साहब, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धनखड़ साहब, पहला सवाल, 7 महीने किस तरह से देखते हैं अपनी सरकार को? बहुत सारी अच्छी पहलें शुरू हुई हैं जी, और उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़ों में हम परिणाम तक पहुँचे हैं जी। हम एक वादा करके सरकार में आए थे कि हम गो संरक्षण, गो संवर्धन का सबसे अच्छा कानून भारत का बनाएंगे जी। हम पहले ही सत्र में उसको बनाने में सफल हुए जी, और उसके इम्प्लीमेंटेशन का समय आ गया है जी। इसी महीने से जी हम सब्सिडी जो गायों को खरीद पर दे रहे हैं, इसी तरह से दूध पर इनाम, इसी प्रकार से गो अभ्यारण्य, साल भर में शायद हम कोई भी गाय सड़कों पर नहीं छोड़ेंगे जी। और जिसको खेतों में कहते हैं रानी गाय, उसको नहीं छोड़ेंगे हम। गो संरक्षण, गो संवर्धन के मामले में दोनों तरफ से सख्त कानून, इतनी सजाएं जो उसमें जो उसके प्रोविजंस हुए हैं कि 10 साल की सजा, 1,00,000 रुपये जुर्माना अगर कोई गोकसी करते हुए पकड़ा जाता है, कोई उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है तो उस पर 7 साल की कैद और 70,000 रुपये का जुर्माना, गाड़ी जब्त हो जाएगी, नीलाम करेंगे। और इससे पहले यहाँ के कानूनों में प्रोविजन था कि कोई डब्बाबंद गोमांस खाता है तो उसको कोई सजा नहीं थी। अब हमने इसमें प्रोविजन किया है कि हरियाणा की पवित्र भूमि पर कोई गोमांस ना खा सकता है, ना ला सकता है, ना ले जा सकता है, ना खरीद सकता है, ना बेच सकता है। ऐसा करने वाले व्यक्ति को 5 साल की सजा और कैद होगी और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बिल्कुल धनखड़ साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि इन 7 महीनों में अगर आपकी बात करें, आपके मंत्रालय की बात करें, आपने जिस तरह से भी गो संवर्धन पर अपनी बात कही, जिस तरह का आप बिल लेके आए और तमाम चीज़ें, वो उसकी चारों तरफ तारीफ हुई, इस बात में कोई शक नहीं है। मुआवजे की बात अगर हम करें, गिरदावरी हुई, इस वक्त मुझे लगता है कि अगर हम कहें कि ऐतिहासिक, आप ये बात कहते हैं कि ऐतिहासिक रहा इस बार जो मुआवजे को बांटना, लेकिन मुआवजे को बांटने के तरीके पर बार बार सवाल उठते रहे। विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं गिरदावरी घोटाला हो गया हरियाणा में। देखिए, कांग्रेस को घोटालों की आदत है जी। और इसलिए घोटाले की शब्दावली वो उनके ऊपर जो उनकी एक तरह से मैं कहूँगा उन पर जो चिपके हुए शब्द हैं, घोटाला शब्द इस बात के लिए तय होता है कि किसी व्यक्ति विशेष ने किसी योजना या सिस्टम में कुछ हेरा फेरी करके और कुछ करोड़ों रुपए बना लिए हैं, उनको घोटाला कहते हैं। जैसे 2G घोटाला, कोयला घोटाला, अनियमितता या किसी सिस्टम में कोई कमी रह गई है, वो एक अलग चीज होती है। घोटाला एक अलग, आप बात गिरदावरी में कमी रही है। अभी सुनिए, पहले सुनिए, 1 करोड़ एकड़ का हरियाणा का खेत है, 65,00,000 एकड़ जमीन पर रबी की फसल बोई गई थी। जो अवेलेबल सिस्टम था पटवारियों से गिरदावरी कराना, उस अवेलेबल सिस्टम को इस्तेमाल करने के सिवा नई सरकार के पास एकदम नए रास्ते पर अगर हम किसी पर जाते तो शायद समय बढ़ जाता, शायद चीज़ें और बढ़ जाती। उसी अवेलेबल सिस्टम के साथ हमको जाना पड़ा। उस अवेलेबल सिस्टम के साथ गए, 13,00,000 एकड़ के नुकसान, 20% जमीन का नुकसान लेकर आए, और उस पर सरकार ने 1,092 करोड़ का कंपनसेशन दिया। विदिन 15 डेज बांटना शुरू किया, जब तक किसान की फसल के पैसे नहीं मिले थे उससे पहले कंपनसेशन बांटना शुरू हुआ। इसमें सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए विपक्ष को। पहली बात, हमने कंपनसेशन 12,000 रुपये तक ले गए, जो पहले कभी नहीं था हरियाणा की धरती पर। हमने उसके 50% का 6 बनता था उसको 7 किया, जो उसका 75% का 9 बनता था उसका 9.5 किया। मिनिमम हमने 500 रुपये किया, देश के सबसे अधिक हमने इसके, मैं कहूँगा कि एक एकड़ के हिसाब से भी, और मैं कहूँगा पूरी राशि के हिसाब से। इतना कुछ करने के बावजूद, हमसे इतना कुछ करने के बावजूद वो श्रेय क्यों नहीं मिल रहा? सवाल ये भी उठता है, बड़ी मात्रा में किसान सारे दे रहा है। किसी को तकलीफ है तो केवल विपक्ष को है, और विपक्ष को उसको क्रेडिट, विपक्ष क्रेडिट अगर देने लग जाए सरकार को तो उनकी राजनीति समाप्त होती है। धनखड़ साहब, क्या ऐसा नहीं लगता कि आपका कार्यकर्ता शायद कमजोर है? पूरे हरियाणा में इतना मास बेस नहीं है कि आपका कार्यकर्ता, जिसे माउथ पब्लिसिटी हम कहते हैं, शायद उसमें कमी रह रही है, क्या मानते हैं इस बात को?
देखिए ये निश्चित रूप से अभी हमको कांग्रेस से बहुत बातें सीखनी है, जैसे कांग्रेस ने हमसे बहुत बातें सीखनी है जी। जैसे लोकसभा में हुकमदेव नारायण यादव ने कहा कि विपक्ष का रोल कैसे करना जरा हमसे पूछिए, हमने सालों साल ट्रेनिंग ली है, हमको भी कांग्रेस से बहुत बातें सीखनी है, सत्ता में रहने का जो उनका तजर्बा है निश्चित रूप से बहुत बातें सीखनी है जी। धनखड़ साहब, एक नौकरशाही पर बार बार बात उठती है, कहा जाता है कि ये जो मौजूदा सरकार है, विपक्ष तो कहता है अनुभवहीन सरकार है, लेकिन कि नौकरशाह मुख्यमंत्री या मंत्रियों की वैसे नहीं सुनते, वो धमक वो हनक नजर नहीं आती, क्या ऐसा है? देखिए मुझे तो लगता है कि बहुत तेजी के साथ दौड़ रहे हैं जी, और जिस प्रकार का इस सरकार के साथ जी, मैं कहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति जी, जब कुछ संस्थाएं, जब कुछ राजनीतिक दल जी, जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगते हैं, किसी न किसी प्रकार के, कांग्रेस के पूरे जमाने में हम सुनते रहे कि ऊपर देना पड़ता है, आज बीजेपी के राज में कह के दिखाएं जी, तो उस नाते से इस प्रकार की जो अब जिस प्रकार से सारा सिस्टम चला है, और नौकरशाहों ने एक बात हमको अच्छी कही जी, हमने जब उनसे बात की कि भाई इस तरह से हम चलाना चाहते हैं, ईमानदारी से चलाना चाहते हैं, तो मैं अंदर की एक बात कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब हम तो नेतृत्व के साथ चलते हैं जी, लीडरशिप जिस प्रकार की चलती है हमको उसके साथ अच्छा करने की आदत है जी, तो उस नाते से मैं ये कहूँगा कि अब अपना बेस्ट दे रहे हैं बहुत सारे मामलों में। आप देखेंगे क्या मुआवजा वितरण में बेस्ट नहीं दिया जी, क्या गो रक्षा का कानून बनाने में बेस्ट नहीं दिया, क्या अभी वाटर मैनेजमेंट में 75% उन्हीं लोगों ने हमको कहा 10-10 साल तक जहां पानी नहीं गया था उन टेल तक पानी पहुंचा दिया 75% नहरों में, 25 में अभी बाकी है क्योंकि 25 का सिस्टम बदलना पड़ेगा, सिस्टम गड़बड़ है, तो उस नाते से वही टीम जब उसको आप टास्क देते हो तो उसी प्रकार से टास्क मास्टर की तरह से काम करती हुई दिखाई देती है। धनखड़ साहब, जब भी आपने पानी की बात की, नहरों में पानी की बात की, हाँ जैसे जब हम झज्जर में गए तो हाँ वहाँ पर ये बात जरूर लोगों से सुनने को मिली, और मैं कहूँगा कि शायद आपके लिए हर्ष का विषय हो कि हम विपक्ष के लोगों ने ये बात कही कि साहब एक बात तो ओम प्रकाश धनखड़ के आने से इन नहरों में पानी आना शुरू हुआ है, लेकिन पूरे हरियाणा में ऐसी स्थिति बने कितना वक्त और लगेगा? नहीं, सारे हरियाणा के लिए, झज्जर विशेष नहीं, जब हमने दिया आप उसकी प्रशंसा नांगल चौधरी में भी जाके सुन के आइए, आप उसकी प्रशंसा हिसार में भी सुन कर आइए, वो सर्वत्र था, किसी क्षेत्र विशेष के साथ काम करने का काम हमारा नहीं है, सोच भी नहीं है, हमारी सोच यही है कि सबका साथ सबका विकास, और अभी जिस तरह से हम काम कर रहे हैं हर मंत्रालय हर विभाग एक अपना आगे 10 साल में हम कहाँ पहुँचेंगे इसका सोच रहा है, विजन जी, वो विजन डॉक्यूमेंट सबके तैयार कर रहे हैं, वो विजन के साथ बैठने वाले हैं, उसका वर्ष प्रति वर्ष उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उस पर काम करा रहे हैं, और ये सबके साथ फिर उस पर से हम बढ़ते चले जाएं, क्योंकि केवल इसलिए ना किसी को कोई आइडिया आ गया उस पर चल पड़ा, फिर दूसरा आइडिया आ गया उस पर चल पड़ा। धनखड़ साहब, क्या सरकार एक साथ एकजुट होकर काम कर रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से एक अच्छा मैं कहूंगा कि ब्लूप्रिंट बने कि विकास से किस रास्ते पर जाना है, वो अंतिम कभी भी नहीं होता, सुधार हमेशा होता है, लेकिन ये लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खिंचाव नजर, कुछ तनाव नजर जरूर आता है सरकार में, सरकार का बोलने का मतलब मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों। देखिए पहले जिस तरह की सरकारें हरियाणा ने देखी हैं, ये सरकार उससे बिल्कुल अलग है जी। और इस सरकार को उसी प्रकार से समझना और देखना पड़ेगा। पहले सरकारें या मुख्यमंत्री केंद्रित सरकारें होती थी, सामान्यतः मंत्रियों के पास जितनी पावर्स होनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि पहली बार मंत्री उतनी पावर्स हैं उस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, एक टीम की तरह से काम करते हैं, या चीफ मिनिस्टर जो है प्रेजाइड करता है, कैबिनेट डिसाइड करती है जी। उस नाते से ये एक अच्छी टीम के साथ काम किया जा रहा है, और मैं इसके लिए मनोहर लाल जी की प्रशंसा करूंगा, मुख्यमंत्री जी इस प्रकार का वातावरण बनाकर चल रहे हैं कि जो जो भी जिनके पास मंत्री चोपड़ा कहते हैं कि साहब मंत्रियों की नहीं सुनी जाती, सांसदों की नहीं सुनी जाती, अधिकारी मुख्यमंत्री के आसपास भ्रष्ट अधिकारी इकट्ठे हुए हैं। देखिए सबके अपना अपना एरिया है, सांसदों को सुनानी है तो केंद्र में सुनाई, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, सबका अपना अपना रोल है, अपनी अपनी जगह है, मंत्रियों ने ये नहीं कहा नहीं सुनी जा रही, सब मंत्री अच्छे से काम कर रहे हैं, एक टीम की तरह से काम कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं, कुल मिला के एक अच्छी टीम पूरे हरियाणा में दिखाई दे रही है। बिल्कुल धनखड़ साहब से हमारा ये सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जानेंगे उस बयानबाजी के पीछे क्या वजह थी, क्या कोई राजनीति थी, साजिश थी, जिसका शिकार धनखड़ साहब भी हुए, क्योंकि उस बयान कई बयानों ने कई तरह का बवाल भी खड़ा किया। इस ब्रेक के बाद